आदरणीय रामविलास जी पासवान और हमारे विधानमंडल दल बिहार के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार जी मोदी और यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रिय चिराग श्री फाल्गुनी जी यादव यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज मैं जो यह हुजूम यहां पर देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि हमारे चिराग को विजय हासिल करने से अब कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, रात को बिजली आती है कि नहीं आती? नहीं आती। यदि रात को बिजली नहीं आती है बहनों भाइयों, तो चिराग की जरूरत है, चिराग से काम चलाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने के बाद और नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की एक झोपड़ी भी शेष नहीं बचेगी जहां पर कि एक बिजली का बल्ब न टिमटिमाने लगे, ऐसी एक जगह भी नहीं बचेगी। मुझे याद है जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो मैंने भाइयों मैंने जनता से ऐसे ही एक बार पूछा, क्या शाम को बिजली आती है, रात को बिजली आती है? सबने यह कहा कि बिजली नहीं आती है। तो मैंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर मैंने कहा, क्या हमारे उत्तर प्रदेश के जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि हमारा थका हारा किसान, थका हारा मजदूर, थका हारा व्यापारी जब शाम को घरों में वापस लौटे तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में घरवाली का चेहरा तो देख सके। भाइयों ऐसे ही दिन भर थका हारा कोई किसान, व्यापारी, मजदूर यदि शाम को घरों में पहुंचता है तो वैसे ही उसकी रोशनी आपकी कम हो जाती है, और घर में पहुंचता है तो अंधेरा उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारे घर की खूंटी कहां है, हमारे घर की चारपाई कहां है। अंधेरे में तीर चलाया, लग गया तो लग गया, नहीं जय श्री राम। यह हालत बहनों भाइयों, इस बार बिहार एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है, नए इतिहास की रचना करने जा रहा है। और इस हिंदुस्तान ने जब भी नए इतिहास की रचना की है तो उसमें अगुवाई करने का भान यदि किसी राज्य ने किया है तो उसे हिंदुस्तान के बिहार में किया है। और इस बार भी हिंदुस्तान में नए इतिहास की जो रचना होने जा रही है उसकी अगुवाई यदि कोई करने जा रहा है तो बिहार राज्य करने जा रहा है, क्योंकि संरक्षण एजेंसियां भी स्वीकार करने लगी हैं 40 की 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में यदि किसी राज्य में विजय प्राप्त होने जा रही है तो केवल और केवल बिहार में विजय प्राप्त होने जा रही है। संघ हमारा पटेल लालू जी की सरकार यहां पर राजद की थी। बहनों भाइयों, किसी राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए 15 वर्षों का समय कोई कम नहीं होता। 67 वर्षों के इस आजादी के काल में 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कितना समय चाहिए भारत की तकदीर और भारत की तस्वीर को बदलने के? लालू जी से मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों तक आपने सरकार चलाई है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में हमारा बिहार का कोई व्यक्ति जाता था उसे यही सुनने को मिलता था कि बिहार में जंगल राज, शंका सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, अमेरिका का पढ़ा हुआ हमारा चिराग है। बहनों भाइयों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए, घोटालों के जो 10 मामले ऐसे मामले जो अचंभित करने वाले हैं, आश्चर्य करने वाले हैं, उनमें नंबर 1 पर यदि कोई घोटाला है तो बिहार का वह चारा घोटाला है। क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और एक से एक दिग्गज भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, कितने लोगों का बयान, ऐसे लोगों को यह धरती और वहां की हालत आ गया हो गई। आज फिर से लालू जी ने जाकर हाथ मिला लिया है कांग्रेस के साथ।
कांग्रेस की हुकूमत लगातार 10 वर्षों से इधर आप देख रहे हैं, पहले भी आपने देखा जब जब कांग्रेस की सरकार आ गई थे हिन्दुस्तान में महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है, फिर से 10 वर्षों से लगातार महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। क्यों नहीं महंगाई रुक रही है? भाई भाइयों, हिन्दुस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है आपकी बदनसीबी से महंगाई नहीं बढ़ रही है, बल्कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ रही है, सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण बढ़ रही है, और इस सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जिसके कारण इस हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ रही है। मैं ये बात बोलने जा रहा हूं, मेरी बात यदि गलत हो भाइयों भाइयों तो एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, और मेरी बात यदि सही हो तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ताली न बजाए। यदि सही हो तब जो मैं बोलने जा रहा हूं यदि सही हो तो ताली बजाना, यदि सही न हो तो बजाना। क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 1998 से लेकर 2004 तक जब एनडीए सरकार थी, हमारे भाई रामविलास जी पासवान उस सरकार में मंत्री थे, लगातार 6 वर्षों तक महंगाई रुकी रही, क्यों बढ़ती है आपके आने के बाद? सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। सारे भ्रष्टाचारों की चर्चा हो विस्तार में जाकर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले भी सुना होगा, पहली सरकार बनी जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ उस समय का भी इतिहास आप जानते हैं। बाद की बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि कभी बोफोर्स घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी बैंक घोटाला, घोटालों पर घोटाला, और इधर जो घोटाले हुए हैं 10 वर्षों के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। सोनिया जी, आप इसका जवाब जनता के सामने खड़े होकर नहीं देंगे, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं बहनों भाइयों, यह आरोप इस हिन्दुस्तान की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि एक अधिकारी होता है, सरकार का ही अधिकारी होता है, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि आगे आ रहा 5.5 लाख करोड़ रुपया। आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार जिस पर बन जाएगी, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक भी घोटाला बाद कोई बचकर नहीं जाने पाएगा। राजा ही जब उठने लगता है तो जनता कंगाल हो जाती है। धन्यवाद, गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा, आपको पता नहीं है, लोगों में ले जाकर दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में काले धन के रूप में जमा कर रखा है। 2009 से बराबर भारतीय जनता पार्टी आवाज बुलंद कर रही है, संसद में भी और संसद के बाहर भी, कार्रवाई करो, हम साथ खड़े रहेंगे कांग्रेस की सरकार के। दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जो काला धन जमा है वह भारत आना चाहिए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है सरकार। लेकिन आपकी गाड़ी कमाई का पैसा दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जो जमा है, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर हम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, उसे हिन्दुस्तान की बैंकों में लाएंगे और यहां की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे। मुझे जानकारी है बिहार से हमारा गहरा रिश्ता, यहां के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता? 13 प्रमुख नदियां केवल बिहार में, अटल बिहारी वाजपेयी ने सूखे के संकट से, बाढ़ के संकट से निजात दिलाने के लिए नदी जोड़ों का एक प्रोजेक्ट परियोजना चलाई, गुजरात ने काम कर लिया, मध्य प्रदेश ने काम कर लिया, नीतीश बाबू आपने क्यों नहीं किया? इस परियोजना को भी भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ करेगी। और किसान भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए
अंतिम एक साल में वहां कृषि मंत्री था, एक योजना बनाई थी, गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, किसानों के दर्द को समझता हूं। योजना बनाई कि किसान के खेत में सारा पसीना बहाने के बावजूद जुताई गुड़ाई सिंचाई बुआई सब करने के बावजूद सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, फसल बर्बाद हो गई, किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई दे। इसलिए मैंने कहा कि नया फार्मूला, जिस फार्मूले का नाम है कृषि आमदनी बीमा योजना, उसको लागू किया जाए। 20 जिलों में मैंने उसका प्रयोग भी किया था, सफल प्रयोग रहा। और उसमें यदि मान लीजिए आपके एक बीघे खेत की 20,000 रुपया न्यूनतम आमदनी तय कर दी गई, आपने जुताई के पहले, खेत की जुताई के पहले तय कर दी जाएगी। अरे आपने जुताई किया, बुआई किया, सिंचाई किया, यदि आपके खेत में आग लग गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई, तो उसके लिए हिंदुस्तान का हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। यह है कृषि आमदनी बीमा योजना। भविष्य के प्रति हमारा किसान पूरी तरह से आश्वस्त है, यह मुकम्मल व्यवस्था हम करना चाहते हैं। हमारा नौजवान, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कितने नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज रोजगार की तलाश में दर्रा की ठोकर खा रहे हैं? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। नौजवान अब क्या दोष है? आपने तो अपनी तकदीर इन सरकारों के हवाले कर रखी है, लेकिन रोजगार सभी को सरकारी नौकरी तो हम नहीं दे सकते। लेकिन यह आपको विश्वास दिलाते हैं, सरकार बनने के बाद धीरे धीरे हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान यदि कोई अपना रोजगार, अपना उद्योग खोलना चाहता है, चलाना चाहता है, तो उसकी 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके अंदर ऐसा हुनर पैदा कर दें, ऐसी स्किल डेवलप कर दें, ताकि जिस व्यापार उद्योग को चलाना चाहता है वह चला सके। आप ये कहोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से व्यापार और उद्योग खड़ा करेंगे? भारत के बैंकों से रोजगार अपना करने वाले ऐसे नौजवानों को कम से कम ब्याज दर पर, कम से कम सूद पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 से लेकर 4% के ब्याज दर पर उन्हें बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जाएगा और 1 साल तक 1 पैसा भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं? काम करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास निरीक्षा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, दृष्टि चाहिए, दिशा चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? यदि गुजरात में परिवर्तन हो सकता है, और मैं तो कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप भाजपा ही हैं इसलिए कह रहे हैं। आज गुजरात के विकास की प्रशंसा, राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष सोनिया भी स्वयं है, हमारे प्रेस के मित्र यहां बैठे, 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात के विकास की प्रशंसा की है गौरव भाइयों, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है। वह अमेरिका जो नरेंद्र भाई मोदी को वीजा देने को तैयार नहीं, उस अमेरिका की पार्लियामेंट की एक रिसर्च कमेटी ने अपनी पेपर में कहा है, 2011 में कहा है, मैं बतला देता हूं, निकाल लेना इंटरनेट से। उसने भी अपने रिसर्च पेपर में पार्लियामेंट की कमेटी ने प्रशंसा की। इसीलिए मैंने कहा इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, दृष्टि चाहिए, परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? सवाल लो भैया भाइयों, बचा लो इस देश को। आज यदि मैं कहने आया हूं, आप सबसे वोट देने की अपील करने आया हूं, तो केवल सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील करने नहीं आया हूं। यदि आज आया हूं आपसे अपील करने के लिए, तो इस देश को बचाने के लिए वोट करने की अपील करने आया हूं। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बचाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट, आप चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आपका प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी पड़ोसी देशों से लोग आते हैं, भारत के सेना के जवानों की
हत्या करके चले जाते, उनके शव को कुचल डालते, सिर भाग से अलग कर देते, उनका सिर ले जाकर वहां पर जयपुर बनाते। कभी चीन दावा पेश करता है अरुणाचल जो भारत का हिस्सा है कि हमारा हिस्सा है, कभी काश्मीर घाटी के बारे में दावा पेश करता है। क्या उसे आप बर्दाश्त करेंगे? क्या उसी ने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्ला खान जैसे नौजवानों ने अपना बलिदान दिया था? अशफाकुल्ला खान 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी कि बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहूंगा बूढ़ी हो गई, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। 21 साल के नौजवान अशफाकुल्ला के दिल में आजादी हासिल करने की दीवानगी थी, मुस्कुरा कर वहां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमान के धनी उस अशफाकुल्ला खां ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। क्या ऐसे स्वाभिमानी नौजवान आपने? मैं और आर्य हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए झोड़ी फैलाकर अपने प्रत्याशी यहां के चिराग के लिए मैं वोट मांगने आया, और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों सचमुच चिराग इसके अंदर प्रतिभा कैसी है यह बताने की आवश्यकता नहीं। सचमुच यह बॉलीवुड का ही हीरो नहीं है, यह बिल्कुल इस बिहार और इस प्रदेश का भी हीरो बन सकता है हमारा ऐसा चिराग। तो आप लोग इसे जिता दें किसी मैं बेचारे को, हाथ उठाकर बताइए कितने लोग जिता देंगे? सब लोग पक्का? तो चिराग 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 से वादा करा लो, करा लें चिराग, चिराग से एक ही वादा, चिराग से एक ही वादा। चिराग को भी माला रखना है, जीतने के बाद चिराग को जनता जो हार पहना दे उसके बाद चिराग के गले में हार जानी चाहिए, पहले हार नहीं जानी चाहिए। जनता ही जनार्दन है, जनता है, ये लोग कह रहे हैं माला, मैंने कहा नो, लोकतंत्र लोकतंत्र में लोक का जनता का आदर किया जाना चाहिए, यही जनार्दन है। तो मैं एक वादा कराना चाहता हूं अपने चिराग से, करें करें वादा एक, चिराग चुनाव भारी मतों से जीतने के बाद 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर एक बार फिर से तुम इसी मैदान में मुझे बुला लेना, और मैं भाइयों इस मैदान में यदि आना चाहूंगा तो चिराग का स्वागत करने के लिए नहीं आना चाहूंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। यदि मैं यहां पर आना चाहूंगा मेरे भाइयों तो शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, इसका स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत और है राजा सिंह।